त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी। परम हितकारी संत प्रमुख स्वामी महाराज, संसार से विरक्त होते हुए भी ये गुणातीत संत सबके सुरद बनकर संसार के बीच अविरत विचरण करते रहे। पर हित के लिए गांव गांव और घर घर पहुंचकर उन्होंने जन जन की उन्नति के लिए जो कठिन परिश्रम किया है, वो सच में आध्यात्मिकता के इतिहास की अमर गाथा बन गया है। धूप शलाका की तरह स्वयं को समर्पित करते हुए वे सदा इस जगत को सुवासित करते रहे थे। बरसों तक रात और दिन एक करके विचरण करते हुए स्वामी श्री ने कभी अपने शरीर की संभाल का विचार नहीं किया। सुबह होते ही सूर्य की तरह प्रकाश का संदेश लेकर घर घर घूमने निकल जाते। स्वामी श्री के भोजन तथा आराम का समय कभी निश्चित नहीं रहता था। कभी सुबह का अल्पाहार दोपहर 12 बजे होता था, दोपहर का भोजन शाम को 4:30 बजे, तो रात का भोजन 12:15 बजे होता था। ऐसे अविरत विचरण के दौर में आराम के लिए गुंजाइश ही कहां थी। उनकी रात भी कई बार दिन से दुगनी परिश्रममय बन जाती थी। कभी किसी की इच्छा पूरी करने रात को 2 बजे वे मंगल विधि का मुहूर्त करने पहुंच जाते थे, तो कभी पद धरनी के लिए घूमते सुबह 4 बज जाते थे। कभी ज्वर ग्रस्त शरीर के साथ निर्जल उपवास के दिन भी 4-4 गांव में विचरण करने के बाद 11:30 बजे भी सभा करने वाले स्वामी श्री ने मानो अपना अस्तित्व दूसरों की भलाई में समर्पित कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कभी अपने विचरण में अपनी सुविधा का विचार नहीं किया था। BAPS स्वामीनारायण संस्था जैसी एक वैश्विक संस्था के प्रमुख, लाखों लोगों के गुरु और पूजनीय होने पर भी वे कभी गांव में तालाब की पाली पर, कभी खुली छत पर, कभी जंगल के रास्ते में, तो कभी धूप बरसती छत के नीचे में भी सो जाते थे। स्वामी बापा ये हमारा वेरान मकान में रात वासो करो, अने न तो बारी बॉय ना के न तो प्लास्टर के न तो पोतड़ियो, सता स्वामी बापा ये हमने खूब खूब राजी करा। एक प्रश्न आव्यो के सवानी क्रिया माटे शू करवू, त्यारे बापाए जो मने सलाह आपी के आवी रीते कंतान बांधीने व्यवस्था करी देवी, एटले अमे पछी एवी रीते व्यवस्था करी दीधी। अमे गरीब माणसो, अमारी पासे कोई व्यवस्था नथी, जेथी अमे स्वामी श्री ने अमारा गामे आ ईंटोनो पड़थारो करीने खुल्लामां नवडाव्या हता, पण स्वामी श्री अमारा राजी हता। जी हाँ, स्वामी श्री के भोजन का प्रबंध होता था मवेशी की चरनी में, घर के बरामदे में, तो कभी जंगल में। बधा गाम नी अंदर आवी भर बपोरे नगर यात्रा निकळती, भलभला आवी नगर यात्रा नी अंदर थाकी जता, परंतु स्वामी श्री ना मुख पर एक पण थाक नी निशानी नी, केवल हरि भक्तों ने राजी करवानी ज एक निशानी हती। एटले आ ट्रेक्टर ने टोली मा बापा सभा करता था, अने गामो गाम रात ना 12-1 वाग्या सुधी सभा चालती। અમે ટ્રેક્ટર આવ્યું પણ 1 કિલોમીટર જેવું ટ્રેક્ટર ઉછળતું હતું, પણ સ્વામી તો કઈ બોલ્યા નહીં, શાંતિ બેસી રહ્યા તો એટલી શાંતિ એમનામાં, આપણામાં શાંતિ નહીં, બાપા બેઠે આપણું તો ના બેઠી એક બી સત જેવો ભીડો કોઈ ન લે કે બાપા। વર્ષ મેં 600 થી 700 ગાંવ મેં વિચરતે સ્વામીજી ઔસતન દિન મેં 2 ગાંવ બદલ દેતે થે। એસે અવિરત ચલતે વિચરણ મેં ગાંવ બદલ જાતે, गांव का पानी बदल जाता, भोजन बदल जाता, बिछौने बदल जाते, सभा के आसन बदल जाते, लोग भी बदल जाते, लेकिन स्वामी श्री के
चरण की गति नहीं बदलती थी। अरे कई बार जहां रास्ते या बिजली तक नहीं पहुंचती, ऐसे वनवासी गांवों में स्वामी श्री स्वयं कष्टदायक विचरण का आयोजन करते थे। शरीर के भावों से परे होकर विचरण करने वाले स्वामी श्री वय के साथ बढ़ती हुई शारीरिक आपत्तियों से भी रुके नहीं। आंखों में मोतियाबिंद हो गया, पित्ताशय निकालना पड़ा, नितंब से गांठ निकालनी पड़ी, फिर भी ये बीमारियां उनके विचरण की गति में रुकावट नहीं डाल सकी। आखिरकार स्वामी श्री का हृदय उनके कदमों से ताल नहीं मिला सका। 62 वर्ष की उम्र में उन्हें हृदय का दौरा पड़ा। इस आपत्ति के बाद भी प्रमुख स्वामी महाराज ने आराम को अवकाश नहीं दिया। उनके विचरण में हर 2 दिन में एक गांव बदल जाता था। लगातार 15 वर्षों के इस परिश्रम से हृदय की परिस्थिति और गंभीर बनी। सन 1998 में स्वामी जी के हृदय की बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। चिकित्सकों की सलाह थी कि अब स्वामी श्री का विचरण बंद करके उनको आराम दिया जाए, लेकिन उनके हृदय में उमड़ रही लोक कल्याण की संवेदनाओं का प्रचंड वेग हृदय की कमजोरी को लांघकर संसार को निर्मल करता रहा। अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, सभी नशामुक्त बने, सभी सदाचारी बने और सभी आध्यात्मिक पथ पर ऊर्ध्वगति करें, इसी उद्देश्य से प्रमुख स्वामी महाराज ने विश्व विक्रमी विचरण किया। 52 से अधिक देशों में, 17,000 से अधिक गांवों में और 2,50,000 से अधिक घरों में पधरावनी की। स्वामी जी जहां जहां गए, वहां वहां उनके पावन स्पर्श से अनगिनत लोगों के जीवन में नई चेतना का संचार होता रहा। उनके इस विचरण से कई घर और परिवार टूटने से बचे, कई गांवों ने एकता और शांति के श्रृंगार सजे, असंख्य भटकते लोगों को सदाचार युक्त, नशा मुक्त, भक्तिमय, पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिली। वास्तव में प्रमुख स्वामी महाराज के पद पद पर शांति के दीप जलने लगे। प्रमुख स्वामी महाराज के विचरण की एक चरम सीमा तब देखी गई जब 94 वर्ष की आयु में उनके हृदय में एक पेसमेकर प्रत्यारोपित होने के बाद वे लोगों के प्रति अपनी भावनाओं से 10,000 किलोमीटर दूर आकाश मार्ग से अमेरिका पहुंचे। भूख प्यास, दिन रात, गर्मी ठंड आदि अनेक कष्टों की परवाह किए बिना केवल दूसरों की भलाई के लिए किया गया प्रमुख स्वामी महाराज का ये अकल्पनीय विचरण और उनके द्वारा किए गए अनगिनत उपकार का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकेंगे।